एक ही काम के लिए आजकल गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल है। बाकी मुल्क के हालात आपको पता ही है। ऑफिस के काम से तकरीबन हम फारिग होकर वहाँ से निकलेंगे 1 बज जाएगा, और उसके बाद बाहर जाके देखेंगे कुछ सामान अगर घर का लेना है, कुछ मेडिसिन वगैरह ये वो जो चीज़ें रिकॉर्ड है वो हम लेंगे मार्केट से, और वो लेके फिर हम जाएंगे घर। और यहाँ एक और बात, शाम को आज हमारी एक इफ्तार की पार्टी भी है, इफ्तार की दावत है हमारी, तो वहाँ भी देखेंगे कि वहाँ पर क्या होता है। ठीक है, ऑफिस के काम तो तकरीबन हो चुके हैं, बच्चे तो काम है वो तकरीबन आधे घंटे तक ऑफिस ही हो जाएंगे, तुरंत 12:30 बजेंगे और 12:30 के बाद यहाँ से निकलते हमें मार्केट पहुँचते 1 बज जाएगा। गर्मी हो जाएगी थोड़ी, लेकिन क्या करें, कोई सुनेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं कि मार्केट में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं घर के लिए, वो भी लेंगे और उसके बाद चलते हैं घर। असल में शाम को जो दावत है ना, मेरी खुशी होती है कि अफ्तारी जितनी हुई ना प्रोग्राम वो घर में ही करें बेहतर है, बाहर जाना और ये थोड़ा रमज़ान में रोज़ाना में थोड़ा बंदा थोड़ा रूटीन जो है वो अजीब हो जाती है। लेकिन कोशिश नहीं है, दोस्त हैं तो अगर दावा देते हैं तो वहाँ जाना चाहिए, चलते हैं। अभी 12:30 हो रहे हैं और इस टाइम अभी डिपार्टमेंट कोई नहीं है और सारे लोग चले गए, क्योंकि 1 बजे का टाइम है, 1 बजे के बाद सब क्लोज हो जाता है और रमज़ान का टाइम है ना, तो हर किसी को ये होता है कि मैं जल्दी जल्दी घर जाएँ और थोड़ी आराम करें और हफ्ता ही उठें, तो रूटीन थोड़ी ऐसी होती है कि रात में बंदा जाग रहा होता है, दिन में सो रहा होता है। अभी मैं जाऊँगा, सब्ज़ी लेनी है, मछली लेनी है और थोड़ा बहुत और सामान लेना है, वो लेना है, उसके बाद फिर जाएंगे घर। साईं घड़े किलो 50 रुपया। आओ किधरों, भिंडी क्या फ्रूट और वेजिटेबल के जो रेट थे, सब्जियों और फलों के जो रेट रमजान के शुरू वाले दिन थे ना जो, उनमें तो बहुत ही आसमान पे जा रहे थे। लेकिन सुनने में आया कि हुकूमत सिंध ने कुछ जो ना सख्ती की है, छापे वगैरह मारे, तो उसके बाद जो ना कुछ रेट कम हुए या कुछ कंट्रोल हुए हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि महंगाई ख़त्म हो गई, महंगाई इतनी हो गई है कि आपको जो चीज़ें आज से तकरीबन 1 साल पहले जिस रेट में मिलती थी आज उनके रेट जो ना वो डबल हो चुके हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान की इकनॉमी को बेहतर करें और मुल्क में कुछ खुशहाली आए, ख़ास तौर पर जो वाइट कलर वाले वाइट कॉलर जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, अल्लाह तला सब की खेल करें। गर्मी थोड़ी हो रही है दोपहर का टाइम है, सामान ले लिया सारा मैंने, बाकी ये कि शाम में जो इफ्तार के दौरान में तो उसके लिए सोचना पड़ रहा है कि कैसे करें, जाएँ नहीं जाएँ, जाएँगे इंशाल्लाह। आप सब लोग इफ्तार की पहली दावत है और ये सोसाइटी में ही है फेज़ 1 के अंदर, और एक कुछ दिन पहले मैंने एक स्टेटस रखा था मजाक में कि जो अफ्तार कराएगा उसका चेहरा नूर से चमक जाएगा और पूरी बॉडी उसकी चमक गई थी जश्न में। तो एक दोस्त है हमारे, वो सीरियस ही हो गए, तो उन्होंने आज दावत रखी है और जा रहे हैं वहाँ पे, देखें क्या है वहाँ पर। मौसम थोड़ा आज गर्म हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन जो कुछ दिन पहले जो मौसम था रमज़ान शरीफ का उसके हिसाब से देखा जाए तो आज थोड़ी सी जो मौसम में गर्मी है। रमज़ान का महीना वैसे तो बरकतों का महीना है और इसमें ये होता है कि काम की आपकी जो एक्टिविटी होती है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपकी जॉब जो ना सुकून वाली है तो आपको तकरीबन ज़्यादा टाइम जो ना वो सोने का ही मिलता है। हमारे यहाँ पर भी यही होता है कि सुबह तकरीबन रोज़ा रखने के बाद शहरी के बाद नमाज पढ़ के और आधे घंटे का तकरीबन 6:15 बजे तक सो जाते हैं, फिर सुबह उठने में ना इतनी तकलीफ होती है कि 8 बजे तक मुश्किल से उठ पाते हैं। अगर ड्यूटी पर जाना होता है, कोई काम होता है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि 8-9 बजे तक जो ना वो रेडी होकर चले जाएँ। अगर नहीं जाना होता कहीं बात छुट्टी का दिन होता है, जैसे आज छुट्टी का दिन है, तो फिर हम क्या करते हैं कि तकरीबन 1 या 2 बजे के
दावतें हैं यहाँ जामशोरम में बहरान सोसाइटी में, और जो दावतें हमें वो दावतें उसमें सिंध मसीह सोसाइटी फेज़ वन में है। फिर में हम भी फेज़ वन के अंदर ही रहते थे, लेकिन रेंट पे करें तो वो हमें बल्कि जिसका घर था उसका कोई इशू था, उसने वो घर सेल कर दिया था। उसके बाद जो ना हमने यहाँ शिफ्टिंग कर ली। जिन्होंने दावत की हमारी वो हमारे सीनियर कोलीग हैं, और डिपार्टमेंट तो हमारा दूसरा चेंज डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट अलग है, हमारा अलग है, लेकिन क्योंकि जान पहचाने दोस्ती है तो इसलिए उन्होंने की है दावत। आज की इस इफ्तार दावत में कुछ और दोस्त भी हैं उनके जो मेरे भी हैं, लेकिन क्योंकि वो सीनियर हैं बहुत तो उतनी जो ना उनके साथ फ्रेकनेस नहीं है, तो मैं ज़्यादा फ्री नहीं, ज़्यादा मेरे साथ फ्री आपके एज के ग्रुप के जो लोग होते हैं या ज़्यादा जो फ्री जिनके साथ होते हैं ना, तो वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। तो हो सकता है थोड़ा मैं बोर हूँ, लेकिन कोई इशू नहीं है, अब चल जाएगा। चलें जी, अफ्तारी का टाइम हो गया है, अफ्तारी लग गई है, अब हम अफ्तारी करेंगे। और अफ्तारी के बाद फौरन जो है ना वो डिनर का प्रोग्राम रखा गया है। अफ्तारी में फ्रूट है, पकोड़े हैं और चाट है, और इसके अलावा डिनर में बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, और उसके साथ फ़िश भी है। फ़िश काफ़ी दिनों से हमने नहीं खाई, मज़ा आएगा आज। अफ्तारी कर लिया हमने, डिनर भी कर लिया, हम जाएंगे नमाज़ पढ़ेंगे इशा की और तरावी पढ़ेंगे। डिनर तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। डिनर के बाद एक और हमारे सीनियर कोलीग ने फ़ोन किया था कि एक दोस्त से उसके पास जाना है, ज़रूरी है आज मिलना, तो वहाँ चले गए थे। और उसके बाद हमारे एक जूनियर भी हैं, उनके साथ एक सीनियर दोस्त के साथ है, तो उन्होंने फ़ोन किया है कि हम बैठे हैं यहाँ पर इंतज़ार करें, आ जाओ डिनर करें। अब तो मैं क्या करूँ, देखा मैंने रोज़ा भी अफ्तार कर लिया, उसके बाद खाना भी खा लिया, डिनर तो हो गया, लेकिन देखते हैं दोबारा जाकर उनके साथ कंपनी करते हैं। आ गया हमें यहाँ पे, और ये इनकी गाड़ी खुल गई, ये भी आ गए। देखते हैं क्या होता है। ऐसे ढाबे टाइप होटल है, ढाबे पे बैठे हैं बस जस्ट गैदरिंग के लिए या डिनर के लिए, तो कढ़ाई यहाँ पे इनको ज़्यादा पसंद होती है। चलें जी, इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं कंप्लीट, और हम करेंगे डबल डिनर। कमेंट में अपनी राय का इजहार करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।